कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ होता है कि गीता जी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी, जबकि नौकरानी सीमा के बयान से यह पता चला है कि इन्हें यह खबर सुबह 8:30 बजे मिली जब ये नाश्ता देने गीता जी के कमरे में गई थी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मौत रात को 11:30 बजे हुई थी। इसका मतलब कातिल 11:30 से पहले कमरे में घुसा और बेरहमी के साथ कत्ल करके फरार हो गया। और हैरानी की बात यह है कि इन्हें उस कत्ल की भनक तक नहीं हुई। इन दोनों का बयान पुलिस को गुमराह करने के लिए दिया गया है, असलियत में पैसों की लालच में इन्होंने ही गीता जी का कत्ल किया है। इन दोनों से पूछताछ करने से पहले मैं अनिल जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अनिल जी, जी आपको सबसे पहले इस हादसे की खबर कब मिली? जी मुझे सीमा का फोन आया था। हेलो। हाँ सीमा। गीता मैडम अब दुनिया में नहीं रही। खबर मिलते ही तुरंत मैं हमारे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर चोगले को लेकर गीता आंटी के घर पहुंचा। करीब आधे घंटे में हम लोग पहुंच गए थे। शी इज नो मोर। चलिए माना कि डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन क्या आपको ये मौत नॉर्मल लगी? जबकि आपको ये पता था कि गीता जी को हर वक्त ये डर लगा रहता था कि उनकी जान को खतरा है, और इस बात की पुलिस कंप्लेंट भी वो करवा चुकी थी कई बार, फिर भी आपने पोस्टमार्टम करवाना जरूरी नहीं समझा? सर आई थिंक ये सवाल आपको डॉक्टर चोगले से पूछना चाहिए। डॉक्टर वो हैं, मैं नहीं। सही बात है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, अब मैं डॉक्टर चोगले को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप उनके फैमिली डॉक्टर थे, राइट? जी मैम, कुलदीप जी के पूरे परिवार का डॉक्टर हूं, तो गीता जी का भी डॉक्टर था। काफी सालों से उनका केस मेरे पास ही था। गीता जी हार्ट पेशेंट थी। मैं उन्हें कई बार सलाह देता था कि खुश रहा करें, स्ट्रेस में ना रहा करें। जब आपको उनकी मौत का पता चला तो आपने पोस्टमार्टम करवाने की सलाह क्यों नहीं दी? देखिए वकील साहब, जिस तरह से उनकी मानसिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, इस तरह की मौत स्वाभाविक थी। और फिर उनके शरीर पर कोई निशान भी नहीं थे जो मैं पोस्टमार्टम की सलाह देता। उन हालात में जो मुझे सही लगा मैंने किया। हाँ, लेकिन अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है तो आई एम रियली सॉरी। दिस हैपेंड अनइंटेंशनली। मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं गीता जी के यहाँ काम करने वाले दीपू से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। दीपू, आपको गीता जी की मौत की खबर कब मिली? साहब, मैं किचन में काम कर रहा था, तभी अचानक मैंने सीमा की चीखने की आवाज सुनी और मैं भागा। ये तो सुबह की बात है। रात को 11:30 बजे तुम ऐसा क्या कर रहे थे जब उनका कत्ल हुआ? एक ही घर में रहते हुए तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला? साहब, ये कैसे पता चलता? शाम होती गीता मैडम अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा सुबह ही खोलती थी। अब आप ही बताइए साहब, अब हम बंद कमरे में घुसकर उनको कैसे मार सकते हैं? मैं बताता हूँ। तुम उनके कमरे में खिलाने के लिए वो सारी चीजें लेके जाते थे जो डॉक्टर ने खिलाने के लिए मना किया था। ऐसा करके तुमने उनका दिल जीता हुआ था, और उस रात को भी तुम ऐसी ही चीज लेके उनके कमरे में गए। मैडम जी देखिए, मैं आपके लिए रसमलाई लेके आया हूँ। अच्छा, रसमलाई तो अच्छी लग रही है, खाओ तुम पहले। ठीक है जी, मैं खा लेता हूँ। लाओ।
है सब सब हम तो बर्बाद हो गए, हमने कुछ नहीं किया साहब। योर ऑनर, अब मैं इस केस की अगली सस्पेक्ट सीमा से कुछ पूछने की इजाजत चाहूंगा। पूछिए। सीमा, क्या ये सच है कि गीता जी आपको पसंद नहीं करती थी? जी। फिर भी पिछले 5 सालों से लगातार आप वहां काम करती आ रही हैं। क्यों? गीता मैडम बहुत बार गुस्सा होने के बाद मुझे उल्टी सीधी बातें बोल दिया करती थी। मुझे भी गुस्सा आता था, मन करता था काम छोड़ के चली जाऊं, पर फिर सोचती थी कि बुढ़ापा है और बुढ़ापे में तो इंसान सठिया ही जाता है, और मैं अगर चली भी जाती तो उनका ख्याल कौन रखता, इसलिए मैं नहीं गई, यही रह गई। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आपके कहने पर गीता जी रात को अपने कमरे का दरवाजा खोल सकती थी? नहीं साहब जी, मैडम जी मेरे क्या, किसी के भी कहने से दरवाजा नहीं खोल सकती। ओल्ड एज में अक्सर ऐसा होता है योर ऑनर, ऐसे में याददाश्त साथ छोड़ने लगती है, छोटी छोटी बातों को भूलना नॉर्मल सा माना जाता है। डॉक्टर चोगले ने भी कहा है कि गीता जी की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, हो सकता है उस रात को गीता जी दरवाजा बंद करना भूल गई हो और ये दोनों जो इतने समय से उन्हें मारने का बहाना ढूंढ रहे थे, बिल्ली के भाग्य का छीका टूटा और इनको ये मौका मिला। ये क्या कह रहे हैं आप, मैं क्यों मारूंगी मैडम जी को, मेरा क्या फायदा मैडम जी को मारने में? वजह है योर ऑनर, ये है वो वजह, पुलिस की छानबीन के दौरान सीमा के कमरे से ये सब मिले, एक साधारण नौकरानी के घर में इतने महंगे गहने कहां से आए? जज साहब, ये गहने मेरे हैं, मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने नहीं चुराए हैं। तुमने चुराए हैं? कैसे चुराए हैं? मैं बताता हूं गीता जी के कमरे से। अनिल जी के साथ में थी, उस रात मैं अनिल जी के साथ में थी, ये सब मेरे खिलाफ। ठीक है तुम्हारा, क्या बके जा रही हो? जज साहब झूठ बोल रही है ये, मैं अपने ही घर पे था। साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप भी जानते कि उस दिन रात में आपके साथ थी 11:30 बजे, आप सबको सच क्यों नहीं बताते? बताइए ना साहब जी, बताइए ना। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर अनिल कुमार को फिर से विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, इस बार सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, अनिल कुमार वाकई घर में नहीं थे, और ये जो गहने आप देख रहे हैं, पुलिस की छानबीन के बाद हमें पता चला है कि इसका पेमेंट इनके क्रेडिट कार्ड से हुआ था। दरअसल अनिल कुमार और सीमा के बीच नाजायज संबंध है। अनिल कुमार के बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये हर रोज रात को 10 बजे घर से निकलते हैं और 1:30 बजे वापस आते हैं, और वो शख्स जिसकी परछाई देखकर और आवाज सुनकर गीता जी को अपनी जान का खतरा होता था, वो और कोई नहीं बल्कि अनिल कुमार ही है। योर ऑनर, अनिल और सीमा इन दोनों ने मिलकर ही गीता जी का खून किया है। ये सच नहीं है जज साहब, ये सच नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि सीमा उस रात मेरे साथ थी, मैंने कोई खून नहीं किया है जज साहब, मैं निर्दोष हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर इस केस को गलत मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनके पास कोई सबूत ही नहीं है ये साबित करने के लिए कि इन दोनों में से किसी एक ने गीता जी का मर्डर किया। सबूत है जज साहब, ये लेटर्स देखिए, आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जी,
जज साहब, मेरी बहन गीता अक्सर मुझे खत लिखा करती थी। यह है कुछ उसके पूरे और अधूरे लेटर्स। जज साहब, गीता ने अपने लेटर्स में कई बार लिखा था कि उसे कुलदीप कुमार के बेटों से खतरा है। यह अनिल उससे मीठी मीठी बातें तो करता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह अनिल उसकी जान लेने पे तुला था। योर ऑनर, मैं अनीता जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइए, आप रहती कहां पर है? जी, पूना। पूना? अच्छा, तो आप जब से यहाँ आई है वापस पूना नहीं गई आप? नहीं, तब से मैं वापस गई नहीं। और जब तक अब मेरी बहन के कातिलों का पता नहीं चल जाता, मैं वापस जाऊंगी भी नहीं। अच्छा, लेकिन आपको तो बताया गया था कि आपकी बहन की डेथ हार्ट अटैक होने से हुई है, तो आपको शक नहीं गया किसी के ऊपर? आपको ऐसी जरूरत नहीं लगी कि आपकी बहन की पोस्टमार्टम होनी चाहिए? जी, वो नहीं। नहीं, बड़ी ताज्जुब की बात है ये। आपकी बहन ने साफ साफ चिट्ठी में लिखा था कि उनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, करेक्ट? जी हाँ। भरोसा नहीं था तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती। हाँ, वो बताइए आप मुझे, वो अगर किसी के लिए दरवाजा नहीं खुलती तो देर रात को तो बिल्कुल ही नहीं खुलती। जी हाँ। जी, यही लिखा था ना चिट्ठी में। और चिट्ठी में उन्होंने ये बात भी लिखी थी कि उनको अनिल कुमार से जान का खतरा था। हाँ, लेकिन तो वो अनिल कुमार के लिए भी दरवाजा नहीं खोले। जाहिर सी बात है अनीता जी, अगर मुझे आपसे जान का खतरा है, अगर आप मेरे घर में आती है तो मैं आपके लिए मेरे दरवाजे नहीं खोलूंगा, राइट? जी हाँ। उनको अगर भरोसा था तो सिर्फ आपके ऊपर भरोसा था, सही बात है? जी हाँ। अगर वो दरवाजा खोलती तो आपके कहने पर किसी भी समय आपके लिए वो दरवाजा खोल सकती थी। हाँ, वो लेकिन हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? एग्जैक्टली, जो मैं कहना चाहता हूँ मैं अब कहकर रहूंगा। योर ऑनर, दरअसल इनकी बहन यानी कि गीता जी ने मरने से पहले अपनी एक विल बनवाई थी, और वो विल में साफ साफ लिखा था कि उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी की हकदार अनीता जी होंगी, और ये बात उन्होंने चिट्ठी लिखकर अनीता जी को बताई थी। और जैसे अनीता जी को चिट्ठी मिली, उन्होंने एक साल पूरी तैयारी करी, और इनको पता था कि अनिल कुमार के ऊपर जो गीता जी का शक था, उन्होंने इसका फायदा उठाया और वो शक को बढ़ावा दिया। और अनीता जी, उस दिन जब तेल से फिसल कर गीता जी घर में गिर गई थी, उस घटना का वास्ता भी आपके साथ हो सकता है, और आपने फिर उनकी चोट पर मरहम लगाए, उनके शक को बढ़ावा दिया आपने। ये फंसा रहे हैं मुझे। मैं फंसा नहीं रहा हूं, ये सबूत बोल रहे हैं अनीता जी, ये आपके खिलाफ सबूत बोल रहे हैं। और आपके साथ इस काम में दीपू भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि दीपू ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पता था कि गीता जी कब सोने जाती है, कब सवेरे उठती है, किसके लिए दरवाजा खोलती है, किसके लिए दरवाजा नहीं खोलती। और योर ऑनर, उस रात भी यही हुआ। ये गीता जी के घर बाहर आई, इन्होंने गीता जी के नाम की आवाज लगाई। कौन है? मैं अनीता हूँ, दरवाजा खोलो। और गीता जी ने इनकी आवाज सुनकर कमरे का दरवाजा खोला, ये अंदर गई, और प्लान के मुताबिक इन्होंने गीता जी को अपनी बातों में फंसाया और दीपू ने उनकी हत्या कर दी। अनीता जी घर से वहां से निकल गई, और उसी दौरान अनिल कुमार भी उस घर में मौजूद थे, लेकिन वो सीमा के साथ अपनी दुनिया में मगन थे, और उनको भनक तक नहीं लगी कि इन्होंने गीता जी की हत्या करी है। और जैसे ये घर के बाहर चली गई, अनिल कुमार भी घर से बाहर निकल गए। जैसा ये झूठ बोल रहे,
मेरी बहन गीता ने खुद लिखा था कि उसे अनिल पे शक है। ये मुझे फंसा रहा है जज साहब। अरे मैं नहीं फंसा रहा हूँ अनीता जी, ये सबूत बोल रहे हैं। अरे आपने ये जो चिट्ठी अभी कोर्ट में पेश की ना, जो लेटर्स आपने पेश किए, वो पेश करने में आपने बहुत जल्दबाजी कर दी। अनीता जी, आपको तो ये बताया गया था कि आपकी बहन की नेचुरल डेथ हुई है, तो फिर लेटर्स लेके क्यों आई आप मुंबई? और अभी आपने कोर्ट को ये बताया कि आप तो बड़ी हड़बड़ाहट में आ गई थी मुंबई, तो हड़बड़ाहट में कैसे सोचा आपने कि अरे मुझे ये चिट्ठियां रखनी है अपने पास? क्योंकि आपको पता था, आपको शक था कि कहीं अनिल कुमार सुबूत के बिना पर कोर्ट से बरी ना हो जाए, इसलिए आपने ये सब चिट्ठियां आपके पास रखी है कि नहीं? नहीं 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 जज साहब, ये मुझे फंसा रहे हैं, फंसा रहे हैं मुझे। अनीता जी, आप खुद फंस गई है अपने ही बनाए जाल में। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा, योर ऑनर, ये जो दीपू है दरअसल अनीता जी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? और अनीता जी, आपको तो पता था कि आपके बहन के मरने के बाद इनका बंगलो, इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलने वाली है, तो कितनी जल्दी हो गई आपको, ये ऐसे ऐसे आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए आपने अपनी बहन का ही। और गीता जी के घर के फोन कॉल्स के रिकॉर्ड के मुताबिक हर रोज रात को 12 बजे के आसपास उनके घर से अनीता जी को फोन किए जाते थे, और वो फोन गीता जी नहीं करती थी क्योंकि गीता जी तो रात को 8:30 बजे अपने कमरे में सोने जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे फोन कॉल्स होते थे वो दीपू करता था अनीता जी को, और कत्ल की रात एक भी फोन कॉल हुआ ही नहीं। ताज्जुब की बात ये है कि जब एक भी फोन कॉल नहीं हुआ तो इनको फोन पर खबर कैसे मिली इनकी बहन की डेथ की? अब आगे की सारी सच्चाई आप खुद बताएंगी या मैं बताऊं? मैंने मारा है अपनी बहन गीता को। इससे पहले भी मैंने उसे मारने की कोशिश की, दीदी काम हो गया है लेकिन सीमा भी घर पे नहीं है, कोई पूछेगा तो क्या जवाब दूं? मैं हूं ना तुम्हारी बहू। कोर्ट ने अनीता हंसराज और दीपू को गीता हंसराज की हत्या के लिए दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, आपराधिक षड्यंत्र 34 कॉमन इंटेंशन, मिली जुली साजिश 191 से 195 फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस इन कोर्ट अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, झूठे साक्ष्य और जनता न्याय के खिलाफ अदालत में अपराध, और 302 हत्या के लिए दीपू को 25 साल तथा अनीता हंसराज को उम्र कैद की सजा सुनाई और सीमा को दोषी ना पाते हुए बरी कर दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।